हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं परविंदर सिंह आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यार मैं इन वीडियोस को बहुत ही मेहनत से बनाता हूं और पूरी कोशिश करता हूं कि आपकी वीडियो की डिमांड को मैं पूरा कर सकूं। तो प्लीज़ यार, आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन ये सफर तब तक अधूरा होता है जब तक इसका अंत सुखद ना हो, और इसी अंत को वो लड़की अब तक खुद लिखती रही है। इसीलिए मैं आपसे बात करना चाहती थी मास्टर। मुझे पता है कि मेरे असली माता पिता इस मैजिक ग्रह में कहीं खो गए हैं। मुझे उन्हें ढूंढना होगा, और सिर्फ आप ही हैं जो उन्हें ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं। सिर्फ स्कूल खत्म हुआ है लेकिन जिंदगी शुरू हो रही है। शायद तुम इस बात से डर रही हो कि क्या होगा अगर तुम उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। पता कुछ नहीं बदला है, बस थोड़ी सी जिम्मेदारी आ गई है प्लैनेट को बचाने की और लोगों की खुशी और उनकी सुरक्षा की। हमें बस दुनिया को बचाना है, इसमें इतना बड़ा भी क्या है। मैं मैंड्रागोरा के काबू में था लेकिन अब नहीं हूँ। अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि मुझे किसके लिए लड़ना है। क्या अब तुम्हें पता चला कि तुम किसके लिए लड़ रहे हो? और किसके लिए? तुम्हारे लिए। सूरज, चांद और सितारों की रोशनी मिली है मुझे, और मैं जानती हूँ इनसे मैं दुनिया की हर चीज को रोशनी दे सकती हूँ। ये जगह कितनी बदसूरत है, कोई कितना भी बदसूरत क्यों ना हो, उसे भी थोड़ा तरीके से रहना चाहिए, थोड़ा फैशन सेंस तो होना ही चाहिए। मैं दुनिया भर की बारिश को महसूस कर सकती हूँ, एक एक बूंद को भी, हल्की से हल्की और अथाह समुंदर में गिरने वाली एक बूंद को भी। अच्छा हुआ पिक्सीज को विलेज भेज दिया, वरना यहाँ की नेगेटिविटी तो उन्हें जान से ही मार देती। दोस्तों, यकीन नहीं होता कि आज की रात अल्फिया में हमारे एक साथ रहने की आखिरी रात है। तुम्हें फिर से देखकर और सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है चाचा। मुझे लगता था कि विचेस के पूर्वजों ने जब स्पार्क्स पर हमला किया था, लेकिन हमारे पिता ने स्पार्क्स के इतिहास को खोने से बचाने के लिए उस किताब को रॉक माउंटेन की एक गुप्त लाइब्रेरी में छुपा दिया था। राजकुमार स्काय, मुझे पता था आप यहीं मिलेंगे, मैं आपको लिए बगैर यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन ऐसे अनुशासन का क्या फायदा जिसमें आप अपनी स्वीट हार्ट के साथ डांस भी न कर पाए। ये पूरी दुनिया उसके लिए छोटी है, उसकी दुनिया ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि ब्लूम बस खुश रहे। हाँ, अगर वो खुश नहीं तो हम खुश कैसे हो सकते हैं? हमें कुछ करना होगा। अल्फिया पर कब्जा करने के लिए बहुतों ने सोचा, लेकिन ये तो पक्का है इस पर कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। तो चलो, ये लो। वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी पलेडियम, उन्होंने अपनी कुछ ज्यादा ही पावर एक साथ इस्तेमाल कर ली। फिर भी काफी सारी स्टूडेंट्स बुरी तरह जख्मी हो गई। तुम बहुत सुंदर राजकुमारी हो, लेकिन मेरे लिए हमेशा मेरी नन्ही सी बेटी रहोगी जिसकी आंखें मुस्कुराती हैं। क्या मुझे भी अपनी बेटी से बात करने का मौका मिलेगा, या मेरी बीवी ही इसे अपने पास रखना चाहती है? तुम हमारे बिना बड़ी हुई, हम तुम्हारे अब तक के जीवन में साथ नहीं थे, लेकिन अब वादा करते हैं आगे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। आज का दिन खास है हागन। आज कुछ स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होकर अल्फिया को हमेशा के लिए छोड़कर जाएंगी। आज ये उनके जादुई सफर का आखिरी दिन होगा, पर ब्लूम के लिए ये सफर जारी रहेगा। ओ ब्लूम, मेरी बच्ची, मैंने अपने जीवन में हजारों तलवारें बनाई हैं, लेकिन तुम्हारे पिता के लिए सबसे मजबूत तलवार बनाई थी, एक ऐसी शक्तिशाली तलवार जो जादुई रोशनी को जीत कर ला सके। ओ हाँ, अब आपकी शक्तियाँ मेरे अंदर आ गई है। मैं स्पार्क्स के आखिरी चिराग को ढूंढ लूंगी और तब मैं अपने दोनों हाथों से उसे बुझा दूंगी। सुनो शैतान, काली शक्तियों के इस्तेमाल की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारे बूढ़े टीचर के पास इससे ज्यादा पावर है और वो तुम्हें बहुत आसानी के साथ रोक सकता है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि वीडियो में आपको क्या चीज पसंद आई और आगे चलकर आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहेंगे, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि मुझे इसी तरह से मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने की। तो मैं आपसे अगली बार मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।